नमस्कार, महाप्रिया बिहारी न्यूज में आपका स्वागत है। यात्रीगण कृपया ध्यान दें, अगर आप भी आने वाले समय में किसी भी ट्रेन में सफर करने की सोच रहे हैं तो आपको उससे पहले हमारी ये वीडियो जरूर देख लेनी चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से आप कम से कम खाने के लिए तो अतिरिक्त पैसे देने की झंझट से बच जाएंगे। जी हाँ, आपने सही सुना, ट्रेन में अब यात्रियों से पैंट्रीकार कर्मी किसी भी खान पान की सामग्री के लिए अधिक कीमत की वसूली नहीं कर पाएंगे। इतना ही नहीं, अब यात्रियों के लिए कैशलेस भुगतान की सुविधा शुरू होने वाली है, क्योंकि अब आपके पास खान पान सामग्री के भुगतान के लिए ऑनलाइन पेमेंट का विकल्प होगा, जिसके तहत ही अब पैंट्रीकार कर्मियों के पास खान पान सामग्री की कीमत से संबंधित मेन्यू कार्ड से यात्री उसकी असल कीमत को देख सकते हैं। यात्री के मांगने पर कर्मी को उसे दिखाना अनिवार्य होगा। इसको लेकर हाल ही में IRCTC की तरफ से खुद ही सारी जानकारी साझा की गई है, जिसके तहत ही पैंट्रीकार कर्मी को अब खान पान सामग्री का रेट चार्ट लगा ID दिए जाने का काम होने वाला है, जिससे यात्रियों को रेट के लिए परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। पूर्व मध्य रेल में IRCTC के क्षेत्रीय प्रबंधक राजेश कुमार ने कई बातों की जानकारी दी है। साथ ही बताया है कि पूर्व मध्य रेल की ट्रेनों में पैंट्रीकार कर्मियों को खान पान की सामग्री का रेट चार्ट का ID दिए जाने का काम किया गया है, जिससे कि अब यात्री मेन्यू कार्ड देख कर ही अपना ऑर्डर कर सकते हैं। उसके गले में लटके ID में QR कोड दिखाई देगा, उस QR कोड का मोबाइल फोटो खींच कर स्कैन कर यात्री खान पान सामग्री की कीमत का ऑनलाइन भुगतान कर सकते हैं। यात्री तभी बिल का भुगतान करेंगे जो पैंट्री कर्मी उन्हें बिल देंगे। अब सवाल ये है कि आखिर ट्रेन में मिलने वाले भोजन सामग्री की कीमत है क्या? तो हम आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें कि वेज ब्रेकफास्ट के लिए यात्रियों को 40 रुपये, स्टैंडर्ड वेज मील के लिए 80 रुपये, वेज बिरयानी के लिए 80 रुपये, नॉन वेज ब्रेकफास्ट के लिए 50 रुपये, स्टैंडर्ड नॉन वेज मील के लिए 90 रुपये, अंडा बिरयानी के लिए 90 रुपये, रेल नीर के लिए 15 रुपये, स्टैंडर्ड नॉन वेज मील चिकन करी के लिए 130 रुपये, चिकन बिरयानी के लिए 110 रुपये देना होता है। इसके साथ ही अब पैंट्रीकार सुविधा वाली ट्रेनों में चलने वाले मैनेजर का नाम और नंबर भी यात्रियों को उपलब्ध करवाया जाएगा, जिससे अब उन्हें किसी भी तरह की समस्या नहीं उठानी पड़ेगी। इसको लेकर यात्रियों के बीच मैनेजर के नाम का और नंबर वाला स्लिप वितरण होगा। कोच में प्रमुख जगहों पर इससे चिपकाने का काम भी किया जाएगा। जानकारी के अनुसार ट्रेनों में अब यह सुविधा जल्द ही उपलब्ध होने वाली है, जिससे कि किसी भी तरह की समस्या पर यात्री शिकायत आसानी से कर सकते हैं। इसको लेकर यात्रियों के बीच मैनेजर का नाम और नंबर वाला स्लिप वितरित होता रहेगा, साथ ही कोच में प्रमुख जगहों पर चिपकाने का काम भी होने वाला है। ट्रेनों में जल्द ही अब इस नई सुविधा को बहाल किया जा रहा है, जिससे उम्मीद है कि अब यात्रियों को अपनी यात्रा के दौरान किसी भी तरीके की परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। इसके साथ ही आज के इस वीडियो में बस इतना ही, तब तक के लिए धन्यवाद।